तो डियर स्टूडेंट्स, फिर प्रॉब्लम करते हैं बाय अल्ट्राइजी मेथड। ओके, तो यहाँ पे एक हिंट है, अगर इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला के हिसाब से ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू वन होता है। ओके, तो इसके लिए हम ये लॉजिक यूज करेंगे, देखो। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इधर लिखा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको लिखा, तो बाद में ए इंटू ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पे दो रूट है, इसको एक ही रूट में लग के आना है। उसके बाद इसको और उसको ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये बनेगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू वन होता है। ओके, तो अभी देखो, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे रूट वन का वन होगा, तो ये जो ए स्क्वायर है इसको हम हटा के दूसरा कॉन्स्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन वन है। इसके बाद जहाँ से वाई एक्स को नीचे लेना है, इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड में डी वाई बाय डेक्स, और एक कॉन्स्टेंट एच का एच रहेगा, और यहाँ पे वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ये बनेगा सी एंड माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ओके, बट सी का वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फ्रॉम वन, ओके, ये आएगा फ्रॉम वन, देखो अभी, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे इसको कट करते हैं, तो बचेगा माइनस रहेगा, माइनस को ऊपर लिखते हैं, वाई रहेगा और नीचे एक्स, तो ऐसे सॉल्व करना है, तो एकदम इजी मेथड है, राइट। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है इसका वैल्यू वन आता है, ये लॉजिक यूज करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम पर जाते हैं।